बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए कठिन सीटों की संख्या 144 से बढ़ाकर 160 कर दी है, यानी कि अब 160 सीटों पर पार्टी खास तैयारी और रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि इन्हीं 160 सीटों पर फोकस कर बीजेपी 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। वहीं इन 160 सीटों को लेकर बिहार और हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक संभावित है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 21 और 22 दिसंबर को बैठक प्रस्तावित है, जबकि हैदराबाद में 28 और 29 दिसंबर को बैठक होने की संभावना है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने की भी उम्मीद है। बिहार की बैठक में 90 सीट पर मंथन किए जाने की उम्मीद है, तो वहीं 70 सीटों के लिए हैदराबाद की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी जो कि 2014 में अपने दम पर बहुमत में आई थी, उसके बाद 2019 में पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या और बढ़ाई थी, वोट प्रतिशत भी बढ़ाया था, और 2024 में बीजेपी ने मिशन 400 का लक्ष्य रखा है, 400 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा है और 160 कठिन सीटें फोकस की गई हैं और इन पर खास ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ाने और पार्टी की सीटें बढ़ाने की तैयारी और मिशन 2024 में पार्टी अभी से लग चुकी है। 160 कठिन सीटों पर फोकस किया जाएगा, जहां मुकाबला काफी कांटे का है और जेडीयू से टूट के बाद बिहार में ही तैयारी मजबूत की जा रही है। जेडीयू जो कि लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही है, 2015 से 17 तक के एक अरसे को छोड़ दे तो जेडीयू लगातार बीजेपी के साथ बनी रही है, लेकिन अब बिहार में जेडीयू आरजेडी के साथ जुड़ चुकी है और मुकाबले के लिए बीजेपी की ओर से तैयारी की जा रही है। जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, विस्तारकों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिहार में 21 और 22 दिसंबर को बैठक संभव है, 28 और 29 दिसंबर को मंथन हैदराबाद में हो सकता है। बिहार की बैठक में चर्चा 90 सीटों को लेकर के होगी, वहीं 70 सीटों पर हैदराबाद की बैठक में मंथन किया जाएगा। बीजेपी जो कि उन राज्यों में भी अपना विस्तार करना चाहती है जहां पार्टी कमजोर रही है, पश्चिम बंगाल जहां पिछली बार पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, उसे और कंसोलिडेट करने की कोशिश। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में भी विस्तार करने की कवायद में लगी हुई है बीजेपी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत तमाम दक्षिण राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इसको लेकर मंथन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2009 में हार के बाद काम करना शुरू किया, संगठन को बढ़ाना शुरू किया और 2014 में वोट प्रतिशत लगभग डबल करते हुए वोट की संख्या और सीटों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया और यह सिलसिला 2019 में भी जारी रहा और 2024 में इसे नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। संवाददाता रविंद्र इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बीजेपी ने 2019 में 2014 के प्रदर्शन को और बेहतर किया था, लेकिन 2024 के लिए जो मिशन रखा गया है, टारगेट रखा गया है, वो 400 का है और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट लगता है। देखिए, बिल्कुल 2014 और 19 से ज्यादा सीटें जीतने का पार्टी का लक्ष्य है, लेकिन अब कह सकते हैं कि उसके लिए अभी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। 144 सीटें पहले थी, 6 महीना पहले एक रणनीति बनी थी कि 144 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी आज़ादी के बाद कभी जीती नहीं है। इसमें साउथ है, तेलंगाना है, आंध्रा थी और कुछ यूपी का भी सीटें थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 160 कर दिया गया है, क्योंकि बिहार में 10 सीटें इसमें जोड़ा गया है और हरियाणा से भी 1-8 सीटें इसमें जोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि 2024 जितना है और तय है पार्टी के नेताओं के अनुसार, लेकिन अगर उत्तर से सीटें कम होती है तो उन सीटों को टारगेट किया जाए जहां पर पार्टी जीती नहीं थी। और इसी कारण से आप देखिए कि इसको लेकर पार्टी ने एक रणनीति बनाई है। सुनील बंसल हैं उसमें, विनोद तावड़े हैं, हरीश द्विवेदी हैं, ऐसे कई नेताओं को उसमें लगाया गया है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन 160 सीटों पर लगातार बीजेपी के सांसद भी जाएंगे, बीजेपी के मंत्री भी जाएंगे, खुद निगरानी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसको लेकर कई पहले बैठकें भी हुई है, आगे चलकर विस्तारक को भी लगाया जा रहा है, उनकी बैठकें पटना में भी होगी, हैदराबाद में होगी। तो अभी आप एक बात चंदन की, जब विपक्ष अभी नीति नहीं बना पाई है, नेतृत्व कौन करेगा, एकजुटता को देखकर हो रही है, उधर बीजेपी अपनी रणनीति 2024 को कैसे जीता जाए इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो इसी कारण कहा जा सकता है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि जब विपक्ष अपनी सोच जब शुरू करता है
बीजेपी और पार्टी के नेतृत्व उस सोच से कहीं आगे बढ़कर जीत सियासी जीत को हासिल कर लेते हैं। जी निश्चित तौर पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि इलेक्शन को लेकर के बीजेपी की जो तैयारियां होती हैं बाकी पार्टियां उसका मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन क्या ये मिशन इतना आसान होगा? क्योंकि अब विपक्ष भी जो है काफी पहले के मुकाबले तैयार नजर आता है। कई राज्यों में जो साथ थे वो अब अगेंस्ट जा चुके हैं। दक्षिण में बीजेपी की कोशिशें जो काफी अभी तक बहुत कुछ उससे निकल कर नहीं आया है, और आने वाले दिनों जो राज्यसभा राज्य के जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें असल इम्तिहान हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए कि त्रिपुरा में चुनाव कब है, आप मेघालय में चुनाव कब है, लेकिन उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जब नेडा की बैठक में गए हैं पिछले संडे को, तो वहां पर उन्होंने रैलियां भी की और उसमें जो भीड़ आपने देखा तो कहीं ना कहीं रणनीति बन जाती है। गुजरात चुनाव के दिन आपने देखा कि नतीजे आए, उसके नेक्स्ट डे ही किस तरह से बैठकें शुरू हो गई थी यहाँ बीजेपी की, और अमित शाह खुद ले रहे थे, जेपी नड्डा ले रहे थे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। तो कहीं ना कहीं रणनीति बनती है विधानसभा चुनाव को लेकर भी और लोकसभा चुनाव को लेकर। यहां तक मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे और भी बड़े नेता उसमें बैठे थे, और तैयारी किसकी थी, सबसे ज्यादा फोकस था नगर निगम चुनाव कैसे जीतना है। जी। तो बीजेपी के नेतृत्व को ही मानना, चाहे नगर निगम चुनाव हो या फिर लोकसभा, उसकी हर दम तैयारी करिए, जब जैसा मौका मिले तैयारियों में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण से कि विधानसभा चुनाव जो होने वाले, चाहे कर्नाटक हो या तीन राज्यों में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसकी भी रणनीति बन रही है और लोकसभा चुनाव की भी बन रही है 2024 को लेकर। जी बिल्कुल रविंद्र, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां पार्टी के सामने है? क्योंकि अगर हालिया चुनाव के नतीजों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1% वोट से ही सही लेकिन पार्टी हारी है। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद विधानसभा चुनाव में पहले ही हार चुकी मिली थी, और उसके बाद अब जो है एमसीडी के इलेक्शन में भी हार मिली है। तो जितना महत्वपूर्ण लक्ष्य दिखता है, बड़ा लक्ष्य दिखता है, चुनौतियां भी अभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी नेतृत्व को भी पता है। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जब हम लोग गए थे, आपने देखा वहाँ पर कि हर लोग मोदी मोदी नाम तो ले रहे थे, उनका कहना था कि लेकिन जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट है उसके खिलाफ है, हमारा पार्टी जो बीजेपी है उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा जो वो वोटर वोट देंगे जो अभी बीजेपी के खिलाफ भी थे। और यही पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष के ऊपर काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व पीएम मोदी का चेहरा होगा। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा, एमसीडी चुनाव हो या फिर हिमाचल हो या फिर दूसरे प्रदेशों में जो होता है, वहाँ पर लोकल नेतृत्व कैंडिडेट ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लोकल इशू काफ़ी हावी हो जाता है, और ऐसे में बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ होती है कि स्थानीय स्तर पर उस चुनौती को कैसे स्वीकार किया जाए जो विपक्ष उनको देते रहा है। चाहे आपने देखा मैनपुरी हो या फिर अभी यूपी के एक और विधानसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए थे। बिल्कुल रविंद्र, तो बीजेपी की तैयारी पूरी नजर आती है और बीजेपी अभी से 2024 के मिशन में लग गई है, और कहीं ना कहीं ये मान रही है कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, और 2024 का जो चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और ऐसे में इसका उन्हें फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का एक्स फैक्टर क्या रहा। बार गुजरात की जनता ये जानती है और समझती भी है कि गुजरात का विकास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। दमण थी निकलो अने वलसाड़ पहुंचो, आखाए रस्ता ऊपर जे रीते लोको आशीर्वाद आपी रहा था, एक प्रकारे तमे आ सभा में आवी ले चूंटणी ना परिणाम नी सिंह गर्जना करी दीधी छे। ये धारणा नहीं, अब ये हकीकत है जिसकी गूंज
गुजरात चुनाव के नतीजों के रूप में देश ही नहीं दुनिया ने भी सुनी। मोदी मंत्र है जीत का, मोदी रसायन है जीत का, मोदी गणित है, मोदी विज्ञान है, मोदी कला है, मोदी शिल्प है, मोदी मोती है। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए मोदी सियासत के कोहिनूर। जब 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर न रह जाए, जब एक छवि को धूल धूसर करने की विपक्ष की साझा कोशिश मटिया मेट हो जाए, जब कोई चुनाव बाकी सभी मुद्दों से हटकर मोदी मुद्दे के इर्द गिर्द सिमट जाए, तो ये मोदी मैजिक ही है जो गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान और चुनाव नतीजों के बाद हर घर और हर हर की आवाज में सुनाई पड़ी। गुजरात की सत्ता में ढाई दशक से काबिज बीजेपी के सामने न मालूम कितनी दुश्वारियां आई, न मालूम कितने प्रपंच रचे गए, न मालूम कितने जुबानी हमले हुए, लेकिन एक तिलिस्म, एक ट्रंप कार्ड, एक मुद्दा सब पर भारी पड़ा। उस तिलिस्म, उस ट्रंप कार्ड और उस एक मुद्दे का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2022 के गुजरात चुनावों के शंखनाद से पहले माना गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन चुनावी 22 को खुला तो हर ईवीएम से मोदी का चेहरा निकला। એમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપમાં મોટો ફરક છે। કોંગ્રેસ માટે પરિવાર પહેલા, ભાજપ માટે દેશ પહેલા। કોંગ્રેસ સરકારમાં કોઈ આતંકી ઘટના બને તો દુનિયાની મદદ માટે ગુહાર લગાવવી પડતી હતી, મદદ કરો મદદ કરો। આજે ભાજપ સરકાર આપણી સેનાઓ आतंकियों ने घर में जाने मारे थे। कांग्रेस घुटने पर आ चुकी थी, नतीजों को मोदी की सुनामी बताया जाने लगा। भले ही मोदी विपक्ष के लिए सुनामी की तरह आए हों, लेकिन बीजेपी के लिए मोदी राजनीति के उस मानसून और हवा के झोंके की तरह आए जिसने देश के साथ साथ गुजरात की सियासी आबो हवा को अनुकूल बनाकर पार्टी की जड़ें बेहद मजबूत कर डाली।